फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए चैनल। और आज मैं दिखा रही हूँ आपको अपना कारपेट जो मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से, तो वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ क्योंकि उससे हेल्प मिल जाती है। अगर आपको भी कारपेट लेना है, आपको भी इस तरीके का कारपेट लेना है, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देख करके। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पिक्स देखते हैं तो उसमें इतना आइडिया नहीं लग पाता है कि प्रोडक्ट किस तरीके का है, और अगर सामने वीडियो होती है और सामने उसको पूरा रिव्यू होता है उसका, तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि प्रोडक्ट किस तरीके का है और वो कैसा लग रहा है देखने में। तो वही मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और उसकी पैकिंग मैंने अभी तक नहीं खोली है, तो वो मैं आपके सामने उसकी पैकिंग खोलूंगी। और कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको मेरा जो कारपेट है वो कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और जो चैनल पर पहली बार हैं, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपको तो कोई मतलब पैसा नहीं लगता है, बट हमें बहुत अच्छा लगता है जब एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो बहुत खुशी होती है, दिल से बहुत खुशी होती है रियली में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, एडिट करने में उसको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो करना बनता है ना। तो फिर चलिए और दिखाती हूँ मैं आपको अपना कारपेट। तो ये रहा है कारपेट, और इसकी ना बहुत अच्छे से पैकिंग की हुई है उन्होंने, बहुत ही अच्छे से मतलब बिल्कुल एकदम टाइट करके इसको पैक किया हुआ है, और एक रोल में है। और इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये 5 फीट चौड़ा है और इसकी लंबाई 8 फीट है, मतलब 5x8 का है ये वाला। और ये प्लास्टिक में रैप किया हुआ है इसको, इसको डबल पैकिंग में पैक किया हुआ है। तो ऊपर ये वाइट कलर की जो प्लास्टिक होती है वो लगाई हुई है इन्होंने, और नीचे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगाकर इसको बिल्कुल एकदम टाइटली रोल किया हुआ है, इसको बिल्कुल एकदम पैक किया हुआ है अच्छे से इसको। और ये खुल गई है इसकी पैकिंग, तो अब देखते हैं इसको खोल करके कि कैसा लग रहा है देखने में। वाओ, बहुत सुंदर लग रहा है, रियली में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये स्टेफन रक्स ब्रांड है इसका, और काफ़ी हैवी है, और इसका जो वेट है वो 13 किलो का है। ये कारपेट जो है पूरा 13 kg का कारपेट है ये, तो बहुत हैवी वेट है इसका कारपेट का। और जो इसकी थिकनेस है वो 1 इंच की थिकनेस है, बाइंड किया हुआ है इसकी जो किनारी है, एजेस जो होते हैं उसको अच्छे से बाइंड किया, और नीचे इसमें कैनवास का यूज़ किया है इसमें, और एंटी स्किड है ये, तो बहुत ही अच्छे फिनिशिंग से लगाया हुआ है, तो ये स्लिप नहीं करेगा फर्श के ऊपर। और ये वूल का यूज़ किया हुआ है, और हैंडमेड कारपेट है, मेड इन इंडिया कारपेट है ये, तो ये जो है ये सब वूल लगा हुआ है इसके अंदर, तो बहुत ही सॉफ्ट फील दे रहा है ये वाला बिल्कुल एकदम से, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, क्योंकि 1 इंच थिकनेस है, तो बहुत ही अच्छी मतलब काफ़ी हैवी फील दे रहा है ये देखने से। और इसमें बहुत ही अच्छे कलर यूज़ किए हुए हैं इसके अंदर, तो बहुत ही अच्छा है इसकी जो, और इसका जो मटेरियल है वो वूल मटेरियल लगा है इसमें, जो यूज़ किया है इसमें वूल का यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। और ये कारपेट स्टेन एंड फेड रेसिस्टेंट कारपेट है, और इसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और प्राइस वेरी होते रहते हैं, और इसको क्लीन करने के लिए आप वैक्यूम क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको ड्राई क्लीन करा सकते हैं, लेकिन ये होम वॉशेबल बिल्कुल भी नहीं है, तो वैसे तो इतना गंदा होता नहीं है, उसको वीकली आप वैक्यूम क्लीनर से आप इसको क्लीन करेंगे तो ये बिल्कुल गंदा नहीं होगा जल्दी से। और ये पूरा वूल में बना हुआ है, पूरा वूलन कारपेट है ये वाला, तो अब विंटर है तो फिर वूलन कारपेट तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि जब समर होती है तो कारपेट में नहीं लगाती हूँ, जब विंटर होती है तो मैं कारपेट ज़रूर लगाती हूँ। तो मैंने ये मेरे पास पुराना कारपेट था वो मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने इसीलिए वो नया कारपेट मंगवाया, तो बहुत ही अच्छा है ये वाला कारपेट, एक वार्म फील आती है क्योंकि बैठने में ना थोड़ा कम्फर्ट फील होता है इसको लगाने के बाद में, इस पर ब्लू कलर का।
सोफ़ा मेरा और जो येलो कलर के पफीज है इस पर एकदम परफेक्ट मैच कर रहे हैं ये। और जो कुशन कवर लगाए हुए मैंने वो मेरे पुराने कुशन है लेकिन इस पर बिल्कुल एकदम परफेक्टली मैच कर रहे हैं इसके ऊपर बिल्कुल एकदम से। और मल्टी कलर का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरी जो वॉल का कलर है बिल्कुल एकदम लाइट कलर है, तो थोड़ा सा मतलब एक वाइब्रेंट कलर अच्छा लगता है देखने से। और साइज़ भी बिल्कुल सही आया है। तो सोफ़ा और जो मेरी साइड टेबल है वो बिल्कुल इसमें अंदर कवर हो गई है यहाँ तक बिल्कुल एकदम से। तो मैंने बिल्कुल साइज़ देख करके मंगवाया है तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट साइज़ आया है मेरा ये वाला कारपेट का, तो बहुत ही अच्छा है ये वाला साइज़ भी। और पूरा मतलब एंड टू एंड आया है सोफ़े के और जो साइड टेबल के, तो ये बिल्कुल ये यहाँ तक एकदम इसकी लंबाई भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ये बिल्कुल 8 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है, तो इसको बिल्कुल एकदम अच्छे से लंबाई और चौड़ाई इसकी बिल्कुल अच्छी है इसकी देखने में। और बिल्कुल जब भी आप कारपेट मंगवाते हैं तो उसको पहले अपने रूम में साइज़ का मेज़रमेंट ज़रूर कर लें कि किस कितने साइज़ का हमें चाहिए होता है, क्योंकि सोफ़ा अगर थोड़ा सा भी सोफ़े से छोटा रह जाता है ना साइड से तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बिल्कुल सोफ़े के बिल्कुल एंड टू एंड तक रखा है इसको, तो साइड टेबल भी उसमें कवर हो गई है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।